बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की बात करें यानी पावर हाउस ऑफ टैलेंट। जी हाँ, तापसी पन्नू को पावर हाउस ऑफ टैलेंट भी कह सकते हैं बिकॉज तापसी पन्नू जो है अपने बोल्ड कैरेक्टर्स को लेकर जानी जाती हैं, फिर चाहे वो उनकी मूवी हो पिंक नाम शबाना या फिर उनकी रिसेंटली आई मूवी गेम ओवर। तापसी पन्नू ने हमेशा हर मूवी में एक अलग से कैरेक्टर को प्ले किया है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड तरीके से एक्टिंग करती हैं। इसके अलावा तापसी पन्नू जो हैं मीडिया के साथ भी इंटरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बोल्ड रहती हैं। तो रिसेंटली तापसी पन्नू ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में भी मीडिया के साथ बात की है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो रिसेंट इंटरव्यू में तापसी पन्नू ने अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि वो अभी रिलेशनशिप में हैं और अगर वो शादी करेंगी तो वो तब करेंगी जब वो माँ बनना चाहेंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो बॉयफ्रेंड हैं, वो ना तो कोई क्रिकेटर है ना ही कोई एक्टर है। जो यहाँ इसके अलावा तापसी पन्नू की अगर हम सोच की बात करें तो उनकी सोच काफ़ी अच्छी है। उनका कहना है कि वो अपनी शादी पर ज़्यादा लोगों को बुलाना नहीं चाहती बिकॉज जो ज़्यादा दिनों वाले फंक्शंस होते हैं काफ़ी थकाने वाले होते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शादी में उनके फैमिली मेम्बर्स और नज़दीकी फ्रेंड्स ही मौजूद रहेंगे। वहीं अगर हम तापसी पन्नू के फिल्मी ग्राफ की बात करें तो रिसेंटली तापसी पन्नू हमें मिशन मंगल में नजर आ चुकी हैं। जी हाँ, ब्लॉकबस्टर फिल्म रही है मिशन मंगल और इस मल्टी स्टारर फिल्म में हमें खिलाड़ी कुमार, विद्या बालन और सोनाक्षी सिन्हा जैसे सितारे नजर आए थे। वहीं तापसी पन्नू की बात करें तो तापसी पन्नू के आने वाले प्रोजेक्ट्स भी काफी अच्छे हैं। जी हाँ, वो भूमि पेडनेकर के साथ सांड की आंख में भी नजर आने वाली है। वहीं अगर हम उस फिल्म की बात करें तो उस फिल्म में तापसी पन्नू जो है शूटर दादीज के कैरेक्टर में नजर आने वाली है। तो अब देखना ये होगा तापसी पन्नू की फिल्म कैसा परफॉर्म करती है बॉक्स ऑफिस पर।